बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाएँ, आमीन। तो जनाब यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे से शॉर्ट फ्रॉक के खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़, जो आप लोग अपने ईद ड्रेसेस के लिए भी बनवा सकते हैं, और अगर आप लोगों को अपने कैजुअल वेयर के लिए बनवाने हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं या ऑफिस गोइंग लेडी हैं, तो आप लोगों के लिए ये ड्रेसेस बहुत ही बेहतरीन हैं। आप लोग इजीली इनको पहन सकते हैं कैजुअल वेयर में। अगर आप लोग घर के लिए बनवाना चाहते हैं तब भी बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइंस हैं, और अगर ईद के लिए अगर आप लोग डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं ड्रेस का, तो तब भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जी जनाब, यहाँ से आप लोग आज देख सकेंगे शॉर्ट फ्रॉक्स के खूबसूरत से डिज़ाइंस, जो कि बहुत सादे से बनाए गए हैं। आप जूनियर स्टाइल फ्रॉक बना सकती हैं, ओपन स्टाइल लुक भी दी गई है। उसके अलावा अगर आपको नेक लाइन इसका अच्छा सा डिज़ाइन कर लें या स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग कर लें, तो आप लोगों के फ्रॉक्स बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गोटी की लेस का इस्तेमाल किया गया है, और अगर आप लोग लेसिस का नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप लोग प्यारा सा नेक लाइन बना लें, कलियों वाली फ्रॉक्स बनवा लें। उसके अलावा जूनियर स्टाइल फ्रॉक्स तो हमेशा ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगती हैं। जो फ्रेंड्स आज चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूब फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं नेकलाइन रेडी किया गया है, साथ में टसल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोग ओपन स्टाइल फ्रॉक बनाना चाहती हैं विद जूनेट, तो आप लोग यहाँ से फ्रॉक का आइडिया ले सकते हैं। कट वर्किंग का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, तो कट वर्किंग भी आप लोग करा सकते हैं। अगर आप लोगों को अनरखा के लुक में फ्रॉक बनानी है, तो अनरखा के लुक में भी फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगती है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।